नमस्कार, रागिरी में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं सरोद वादक सारंग कुलकर्णी से। आज इस बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा देखते हैं। सारंग, मुझे एक चीज और बताइए। अब जब जैसे पीढ़ियां होती हैं, एक आपके दादाजी की पीढ़ी थी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आपके पिताजी की पीढ़ी है, फिर आप हैं, संगीत भी बदला है। मतलब शास्त्रीय संगीत तो वही है जो पहले था, चारुकेशी वही है जो पहले था, लेकिन आज आप लोग की इच्छा अगर कभी होती है, मान लीजिए कि कुछ नया करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ऐसा करें कि ये जो थोड़ा यूथ है इसको भी अट्रैक्ट कर लें अपने कार्यक्रम से। जो परंपरागत शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम है वो तो है ही कि हम आराम से बैठ के 40 मिनट 1.5 घंटा राग बजा रहे हैं, अच्छा पहले आलाप किया फिर सब कुछ किया। तो जब इस तरह का कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या पहले पिताजी से जाके पूछते हैं कि पापा ऐसा कर लें, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ कर दिया हो और उस पर आने के बाद डांट पड़ी हो कि ये क्यों करके आ गए तुम? ऐसा हुआ क्या कभी? अभी अभी इसको दो नजरिए हैं इनके, कि क्लासिकल में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो बहुत आपका आपकी विद्या बहुत चाहिए आपको और वो प्रतिभावान भी उतना चाहिए। पर मैंने अभी तक ऐसे जरूरत नहीं की है कि क्लासिकल राग को कुछ बदलाव करे या ऐसे कुछ। पर मुझे याद है कि मुझे डांट पड़ी थी, वो मुझे याद है कि जो यमन राग जो है, जो बहुत ही फेमस और सब जन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू राग ऐसे सीखते हैं, जो सीखते हैं लोग, बिल्कुल। तो जस्ट मैंने शुरुआत की थी यमन राग की। हालांकि हमें सरोद पे ये पहला नहीं सिखाया गया था क्योंकि वो उसका ट्यूनिंग का लास्ट तार होता है वो मध्यम का होता है, इसलिए वो थोड़ा सा बाद में सिखाते हैं हमको तीव्र मध्यम के राग। तो यमन चालू किया था और तब तक मैंने थोड़ा यहाँ वहाँ मैं परफॉर्म कर रहा था तब तक, और मुझे सिर्फ मैंने सिर्फ पढ़ा कि ये संपूर्ण जाति का राग है क्योंकि वो यमन कल्याण थाट से ही आता है। ये सिर्फ मैंने ये पढ़ा था। और एक अराउंड द कॉर्नर एक प्रोग्राम आ रहा था मेरे, शाम का ही वक्त था, तो मैं बोला कि पापा जी से मैंने बात की कि मैं यमन यहाँ पे बजाना चाहूँगा, और इतनी तालीम हुई नहीं थी मेरी उस राग की फ्रैंकली, पर मैं कहा कि मैं यमन बजाऊंगा। और मैंने पापा जी से कह दिया था कि मैं यही बजाने वाला हूँ, जो भी कुछ होगा वो हो जाएगा। पापा जी कह रहे थे कि अभी मत बजाओ, आपका ये अभी आपके पर्सनैलिटी में अभी आया नहीं है ये राग। पर मैं गया और बजाने के बाद मैं आया वापस, तो फिर पापा बोले कि आपने ये जो भी बजाया उसको हम कल्याण थाट कह सकते हैं पर इसको यमन राग नहीं कह सकते, क्योंकि कल्याण थाट और यमन में फर्क है कि जो सारे ग म प द नि स ज नि द प म ग रे सा, ये थाट हुआ, और उसका जो यमन का जो स्वरूप है वो नी रे ग म द नि स नि द प म ग रे म ग प रे। तो ये जो चीज़ें हैं उससे वो बहुत चेंज हो जाता है, पूरा उसका फ्लेवर है जो बहुत चेंज हो जाता है। तो उसमें षड्ज और पंचम जाते वक्त नहीं लगते आरोह में, तो वह मैं खुल के बजा रहा था सारेगामा पधनी सा सानी धपम वगैरह सा। तो बहुत डांट पड़ी थी मुझे उस टाइम कि ये क्या बजा क्या आ गए आप, इसे आप ये यमन नहीं कह सकते। तो उस टाइम से मैंने फिर वापस बहुत तालीम ली पिताजी से, और वन ऑफ द फेवरेट राग्स है मेरा आज यमन। बिल्कुल, और यमन जैसा आपने भी कहा कि बिल्कुल शुरुआती राग है जो कलाकार सीखते हैं जब उन्हें सिखाया जाता है। और कई गुरु तो ऐसे हैं जो ये कहते भी हैं कि आप एक राग सीख लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल लगाकर, और उसके बाद तो सिर्फ सुरों को इधर से उधर रखना है, हालांकि वो भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर एक राग में आप पक्के हो गए तो फिर बाकी रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। एक चीज और मुझे बताइए, आपका जो वाद्यंत्र है इसको वन ऑफ द टफेस्ट वाद्यंत्र कहा जाना चाहिए क्योंकि कोई पर्दा नहीं होता, पता नहीं है कि यहाँ दबाएंगे तो सा बजेगा ये नहीं पता है, या यहाँ दबाएंगे तो धा बजेगा नहीं पता है। और मैं बार बार अमजद अली खान साहब को कोट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनसे बहुत लंबी बातचीत में कर चुका हूँ इस विषय पर। वो कहते हैं कि बड़ा ही बेपर्दा बाज है और जब कोई बेसुरा हो तो उसको तुरंत बेपर्दा कर भी देता है। तो कभी
कभी जब आप बजाते हैं तो ये जहन में रहता है कि यार बहुत बहुत बड़ी परंपरा से आ रहे हैं, बड़े परिवार से आ रहे हैं, या अब वो दबाव वो डर निकल गया है और अब लगता है कि नहीं, अब मैं कम से कम इतना तो मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि मुझे कोई हूट नहीं करेगा या मेरे बजाए पर कोई प्रश्न नहीं करेगा। हो सकता है उस दिन मैं उतना मीठा ना बजा पाऊं, उतना सुरीला ना रहूं, लेकिन गलत नहीं बजाऊंगा, ऐसा विश्वास आ चुका है। ऐसा आ चुका है, पर हैविंग सेड दैट कि जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो पहले जो एक दो तीन मिनट जो होते हैं ना आलापी के, उसमें पता चल जाता है कि आज हमारे कमांड में ये वाद्य है या नहीं है, क्योंकि हर एक डे के हिसाब से वो चेंज होता जाता है कि अभी मैं मेरा साज उठाऊं तो वो थोड़ा सा उसका मूड नहीं होगा शायद वो साज का, तो वो थोड़ा सा अलग बजेगा, कभी जाके वो इतना मिल गया होगा सुर में तो वो बहुत अच्छा बजेगा, पर ये एक पहले दो तीन मिनट में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पर अभी एक लेवल तक तो आ चुके हैं कि एक कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि एक कमांड जो कहते हैं, तो वो थोड़ा आ गया, ऐसे में कह पाऊंगा, थोड़ा सा बहुत आना बाकी है, पर एक एक लेवल तक अभी आ चुके हैं और इसके आगे अभी जाना है ये तो मैं कह पाऊंगा। पर बहुत सही बात है कि पूरा ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है और कहीं पे भी मार्किंग्स नहीं होती कि यहाँ पे आप अपना नाखून और ये रखेंगे तो ये बजेगा ही, और थोड़ा सा भी वो नाखून इस ये अगर ये एंगल है और थोड़ा सा एंगल भी चेंज हो जाए और ये हो जाए रखने में, तो वो पूरा बेसुरा सुनाई देता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए होता है। आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि शायद जैसे क्रिकेट में जब आप क्रीज पर जाते हैं तो शुरू में 3-4 मिनट में समझ में आ जाता है कि गेंद जो है वो बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर आप बहुत स्वाभाविक अपनी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, अगर नहीं आ रही है तो फिर अगले 15-20 मिनट आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, गेंद को देखना होता है। तो संभवतः वैसे ही जब जिस दिन लगता होगा कि आज साज नहीं, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं साथ दे रहा है, तो शुरू में बहुत सावधान रहना होता होगा। राइट, तो जैसे आपने कहा कि क्रिकेट को अगर आप कंपेयर करें तो अगर पहले ही दो तीन बॉल में अगर उन्होंने यॉर्कर और ये डाल दिया तो कैसे फील होता होगा बैट्समैन को, तो वो सेफ खेलने लगता है थोड़ा सा, और फिर एक 40 या 50 बॉल के बाद वो थोड़ा सा खुलता है। तो वैसे ही हमारा भी होता है स्टेज पे जाके कि हमें पता चल जाता है एक दो तीन मिनट में कि क्या होने वाला है, तो फिर हम वैसे उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट वैसे पेस करते हैं। अच्छा सारंग, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम मतलब यंग आर्टिस्ट से ज़रूर समझना चाहते हैं इस चीज़ को कि एक हमारी प्रॉपर क्लासिकल गायकी है, कई बरसों बरस से चली आ रही है, फिर एक जनरेशन है मिड जनरेशन जिसमें लोग शास्त्रीय गायकी के साथ साथ उप शास्त्रीय गायन को भी लेकर आए, जिसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम, और मतलब इवन भीमसेन जोशी जैसे कलाकार तमाम ठुमरियां गाते थे, गिरजा देवी गाती थी, तमाम कलाकार गाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर वो और एक्सपेरिमेंट की बात आई, थोड़ा सा उसको और ट्रेंडी किया। आप लोग अभी जिस एज ग्रुप में हैं उसमें दिमाग में क्या चलता रहता है कि अपनी आज नहीं, आज से 20 साल बाद जो पहचान बनानी है वो कैसी पहचान चाहते हैं? क्या लगता है कि मतलब पहचान बने कि यार सारंग तो एक ऐसे कलाकार हैं जो जितना जितना कमांड उनको क्लासिकल में है उतना ही सेमी क्लासिकल में है, उतना ही वो अगर वो कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी वो उतने ही पारंगत नजर आते हैं, या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से एक ऐसी पहचान बने कि नहीं साहब अगर शास्त्रीय संगीत में सरोद की बात होगी तो मेरा नाम होगा, बाकी कहीं होना हो, थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? अभी ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी का टाइम है ऐसा है कि इतना एवेन्यूज खुल चुके हैं संगीत के लिए भी, कि आज यूट्यूब आ गया, आज हर के मोबाइल पे स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है, गाना है, ये सब जो ऐप्स है तो उनमें से हम सुन सकते हैं कौन सा भी म्यूज़िक। आज अगर जाके आप सर्च किया कि माइकल जैक्सन का मुझे आज सुनना है, तो मैं सिर्फ टाइप करके मैं उनके सारे गाने सुन सकता हूँ। तो पहले ये एक्सपोजर नहीं था सब लोगों को, तो और टाइम के हिसाब से भी ना पहले का जो टाइम था वहाँ पे इतनी जल्दबाजी नहीं थी कि आज एक अगर प्रोग्राम है तो दूसरा प्रोग्राम शायद एक अगले महीने में होगा शायद, और अभी का टाइम ऐसा है कि आज एक प्रोग्राम है फिर हम
अगले हफ्ते में एक फ्यूजन का कॉन्सर्ट बजा रहे हैं, उसके बाद में रिकॉर्डिंग्स हैं फिल्म्स के लिए, उसके बाद में हम और एक कॉन्सर्ट बजा रहे हैं। तो ये जो टाइम इतना फास्ट हो चुका है अभी, और जैसे मैंने कहा कि आज सबको यूट्यूब और ये सब ऐप्स भी अवेलेबल है, तो सब लोगों की जो सुनने के भी जो टेस्ट्स है ना, कि वो सिर्फ क्लासिकल अभी नहीं सुनते, वो वर्ल्ड म्यूज़िक सुनते हैं अभी। वो कौन से भी एक आर्टिस्ट आप ले लो, एक गिटारिस्ट, अगर स्टीव वाई जैसा एक गिटारिस्ट है तो वो भी आप सुन सकते हो, वो मुझे अच्छा लग सकता है। और ये जो सब सेंसिबिलिटीज़ है ऑडियंस की, वो अभी चेंज होती जा रही है पूरी। तो हमको एज अ यंग म्यूजिशियन, हम भी ऐसे देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हैं उनके माइंड में, या हम खुद को कैसे प्रोजेक्ट करें कि हमारा भी स्थान एक ऐसा हो कि हम इंडियन क्लासिकल को भी प्रोजेक्ट करें, और उसी के साथ ऐसा भी लगे कि ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अगर वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ घुल मिल जाए तो वो और उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बढ़ सकती है। जैसे जैज़ लिया, जैसे रॉक लिया, ये जो अलग अलग जो जॉनराज है म्यूज़िक के, अगर सिम्फनी म्यूज़िक के साथ अगर हम सरोद का एक्सपेरिमेंट करें तो वो कैसा साउंड होगा, क्योंकि ये बहुत अनटैप्ड अरिनाज है अभी तक, क्योंकि इतना एक्सपोजर अभी तक नहीं था क्लासिकल म्यूजिशियंस को कि ये जाके कर पाए वो। और आज की जो टाइम और आज की जो पीढ़ी है, वो हमसे भी ये डिमांड करती है कि आज आप कुछ अलग हमारे सामने लाए कि जिससे वो क्लासिकल को भी जुड़ सकते हैं और उसी के साथ आपको भी जुड़ सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है हर एक आर्टिस्ट के लिए कि क्या वो कर सकता है, और मुझे एक्चुअली वो बहुत आई टेक इट एज अ चैलेंज, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं जाके एक फिल्म के रिकॉर्डिंग के लिए बजाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे खुद के जो सेंसिबिलिटीज़ और मेरे जो सीखा हुआ हूँ वो मुझे अप्लाई करने होते हैं अलग तरीके से। तो जो विद्या जो रहती है वो वही रहती है, जो ग्रामर रहता है वो वही रहता है, सिर्फ वो सेंटेंस बदल जाता है। जो मैंने ABCD सीखा है संगीत का, वो वही रहता है, वो उसी का मैं इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ अलग सेंटेंस बनाता हूँ विच साउंड्स बेटर फॉर देम, ऐसे मुझे लगता है। मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को इसी वक्त बताना चाहूँगा कि जो बात आप कह रहे हैं, बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि फिल्म म्यूजिक दरअसल बहुत ही कोई डीमीन सी चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है, उनको ये समझना चाहिए कि 5 मिनट में अपनी बात कह देना, 4 मिनट में अपनी बात कह देना, पूरा का पूरा एक गाना जिसमें 2 अंतरे भी हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। और वो जो सारंग जैसे कलाकार हैं जो अलग अलग जगहों पर सब कुछ करते हैं, वो संभवतः इस बात को समझते भी होंगे। सारंग, यही इसी पर आ रहा हूँ कि हमने आपसे भजन सुन लिया, हमने आपसे एक राग भी सुन लिया, और ये तो फरमाइशी बातें होंगे, इस बार मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, और उसी में मैंने और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने, मेरे और मेरे वाइफ ने, प्रियंका जो भी एक सिंगर हैं, तो हमने एक चैनल शुरुआत की थी यूट्यूब पे, जिसका नाम था द प्रियारंग प्रोजेक्ट करके। और उसमें हमारा मोटिव यही है कि हम और जो कलाकार हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सके, और हमको जो एक जो अच्छा लगता है संगीत, वो हम आप सभी के सामने ला पाए। और क्योंकि वो एकदम ट्रेडिशनल म्यूज़िक जैसे नहीं है कि क्लासिकल ही है या सिर्फ बॉलीवुड ही है, ऐसा नहीं है। वो ब्रिज है कि जो वहाँ पे हम खुद को देखते हैं। और आप सभी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर हमारे भी YouTube चैनल पे जाके एक बार सुने जो जो चीज़ें हमने की हुई है, और मुझे आशा है कि आपको वो भी अच्छे लगेंगे। अंत में आपके समक्ष राग मांझ खमाज में उस्ताद अली अकबर खां साहब जी की 2 रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ।
सारंग जी के इस यूट्यूब की बात जो उन्होंने अभी कही, इससे जरूर जुड़िए आप लोग और चैनल सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अच्छा संगीत देखने को मिले, सुनने को मिले, तो इससे बढ़िया बात कुछ है नहीं। अब अच्छा, चूंकि हुआ यूं कि मैं जो कहने जा रहा था वो सारंग पहले उस पर आ गए, संभवतः कुछ टेलीपैथी हो गई। मैं यही बताने जा रहा था कि इनका एक और परिचय भी है, और असल में तो दो परिचय हैं इनके। एक परिचय तो ये है, जैसा इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी प्रियंका बर्वे देश की बहुत ही सुरीली गायिकाओं में उनकी गिनती है, रागगिरी से उनकी बातचीत भी हो चुकी है। और इनका दूसरा परिचय है, मैं बताता हूँ, जो संभवतः बहुत ही मजेदार, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा इनके लिए। कुछ महीनों पहले एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी माँ के गोद में था और माँ प्रयास कर रही है और साथ में वो भी सुर लगाने की कोशिश कर रहा है, और कई लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। रागगिरी की तरफ से भी हमने उस वीडियो को पोस्ट किया था। वो जो बहुत प्यारा सा बच्चा है वो दरअसल सारंग का ही बेटा है। तो उनकी उनका रियाज कैसा चल रहा है आजकल? उनका रियाज माने वो जब उसकी माँ जब गाती है तब वो उसके गोद में या इधर उधर खेलते रहता है और उसका चिल्लाना चालू रहता है। वो जब भी कोई गाना सुनता है तो उसका हाथ ऐसे खड़ा हो जाता है और वो ऐसे ऐसे करने लगता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो संगीत सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी वैसे ऐसे ही जो चिल्लाना होता है वो सुर में घुल मिल जाता है, ऐसे भी होता है कभी कभी। अच्छा, ये सवाल मुझे जरूर पूछना चाहिए आपसे। मैं अक्सर ये कहता हूँ, और इसके लिए जब रागगिरी की हमने शुरुआत की थी 2014 में, तो कई बार हमने सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया कि कई कलाकार, कई बड़े कलाकार या कई बड़े आयोजक अपने आमंत्रण में, इनविटेशन में नीचे लिखवाते हैं चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स आर नॉट अलाउड। अब आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये चिल्ला भी रहे, अगर आपका बेटा अगर रियाज के वक्त एक बार चिल्ला भी देता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि रियाज में कोई बहुत खलल पड़ जाता है, बल्कि जो आपका रियाज उसके कान में पड़ रहा होगा वो संभवतः जो अगर उसे आर्टिस्ट बनना होगा और अगर वो बनना चाहेगा तो संभवतः वो जो उसका होमवर्क पूरा है वो बहुत ही स्ट्रांग होमवर्क है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम कलाकारों से हम ये कहते हैं कि नहीं बच्चों को लेकर मत आइए, बल्कि हमें तो कहना चाहिए कि बच्चों को लेकर आइए, क्योंकि आने वाला समय तो इन बच्चों के ही हाथ में हमारे संगीत का की विरासत जाने वाली है। बिल्कुल, और जितना आप उनको आगे का म्यूजिक सुनाए उतना ही अच्छा उनको आगे भी होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 8 साल तक मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 साल तक जो आपकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा उनको बहुत सारे सब जो जॉनर्स है म्यूज़िक के वो सब सुनाने चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक से बहुत अलग अलग जो ब्रेन के जो अलग अलग एरियाज है वो बहुत ट्रिगर होते हैं, और उनसे उनको ही बहुत सहायता होगी आगे जाके। सारंग जी, जो आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का, ये मैंने बहुत बदमाशी वाले दिमाग से सोच रखा था पूछूंगा आपसे, और मैं सोच रहा था कि देखता हूँ जरा इसका जवाब आप क्या देते हैं। ये जब पति पत्नी दोनों, मतलब एक गायक हो अच्छा और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता और गाता भी हो, आपने अभी एक यमन का आरोह अवरोह करके सुनाया भी, तो जब लड़ाई वड़ाई होती है तो कैसे लड़ाई होती है? सामान्य जैसे हमारे घरों में लड़ाई होती है वैसे होती है, या पता चला कि कोई बहुत तेजी से कोई एक आलाप कर दिया, या कोई बहुत तेजी से एक कुछ और सरगम कर दी, कुछ ऐसा गुस्सा दिखा दिया, उससे समझ में आ गया कि अच्छा दूसरा नाराज है, तो वो लड़ाई भी क्या, लड़ाई में भी म्यूजिक होता है कहीं? नहीं, लड़ाई सब हमारी और आपकी सेम ही होती है, वो उसमें कुछ म्यूजिक नहीं आता, पर जो बाकी का जो टाइम रहता है, अगर हम ट्रैवल करते हो या एक में एक बात बात चीज चलती हो, तो हमारे सब चीज़ें ना म्यूज़िक से ही रिलेटेड होती हैं, कि जो झगड़े भी होते हैं ट्रैवल में तो कौन सा गाना सुनना चाहिए, इससे झगड़े स्टार्ट होते हैं हमारे, कि मुझे यही आर्टिस्ट सुनना है, या वो कहती है कि नहीं नहीं आज मैं ये नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं ड्राइव करते रहता हूँ और जो डीजे या वो जो प्लेलिस्ट जो करते हैं वो प्रियंका करती है, तो उसी में हम बहुत झगड़ा करते हैं कि क्या अभी सुनना चाहिए, और अगर उसको पता चल जाए कि अगर अभी सारंग का मूड अच्छा नहीं है तो वो खुद से ही जो मुझे अच्छा लगता है वो खुद लगा देगी, और अगर आज अभी कुछ होना ही है अभी तो वो कभी सुनेगी ही नहीं, और हमारी म्यूज़िकल में ही बहुत सारे झगड़े भी वैसे ही होते हैं, जो मैंने जैसे अभी कहा कि द प्रियारंग प्रोजेक्ट करके हमने एक चैनल किया है शुरुआत, तो उसके जो रिकॉर्डिंग्स रहते हैं
वो अगर किसी ने गलती से रिकॉर्ड कर दिए तो लोग कहेंगे कि ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, हम इतना झगड़ा करते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त भी कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ये अच्छा लगेगा। पर वो बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इन द एंड द म्यूज़िक इज़ द विनर। हम मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा होगा, उसको ऐसा लगता है कि ये अच्छा होगा, पर हम दोनों ऐसे ही काम करते हैं कि द बेस्ट क्या होगा। तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा चीज़ है हमारे। म्यूजिक तो नंबर वन पे हो गया, नंबर टू पे प्रियंका होती है, नंबर टू पे आप रहते हैं? अभी नंबर वन पे म्यूजिक है, बाद में हमारा छोटा लड़का है युवान, तीसरे नंबर पे प्रियंका और फिर एंड में मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग, बहुत शानदार बातचीत रही। और मैं फिर एक बार रागगिरी के सब्सक्राइबर से निवेदन करूंगा कि सारंग का और प्रियंका का जो ये प्रयास है संगीत को लेकर, उस पर जरूर आप जाएं, उसको जरूर आप सुनें, उसको जरूर देखें और अपनी राय रखें, और हमारे साथ तो आप जुड़े ही। सारंग बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रियंका को भी, और परिवार के जो सबसे छोटे स्टार है उनको तो हम लोग की तरफ से ढेर सारे हग्स, ढेर सारे किसेस और ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि उनका वो जो चिल्लाना है उसमें भी सुर हमेशा हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके भी। और सभी दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार कहना चाहूँगा, और आप ऐसे ही उनको बहुत सारी ढेर सारे एक खुशियाँ बांटते रहे म्यूज़िकली और लोगों को आमंत्रित करके, और ज़रूर आपसे और जन जुड़ पाए ये मैं आशा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।